मूवी की स्टोरी एक ऐसी प्रोफेशन से रिलेटेड है जिनका नाम है मॉर्टिशन। एक मॉर्टिशन का काम है डेड बॉडी को अच्छे से सजा के उसे फ्यूनरल के लिए रेडी करना। तो शुरुआत में एक ऐसी ही मॉर्टिशन को दिखाया जाता है जिनका नाम है नॉर्मन। नॉर्मन के पास एक खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी आई है। इसके पहले उसके पास हमेशा बूढ़े लोग और बच्चों की डेड बॉडीज आती थी। पहली बार उसके पास कोई खूबसूरत लड़की की लाश आई है तो इसलिए वो काफी खुश नजर आता है। इस लड़की की बॉडी किसी लेक से मिली थी और पानी में डूबने से उसकी मौत हुई थी। मॉर्टिशन अकेला ही उस डेड बॉडी से बातें करने लगता है और उस लाश को कहता है कि पानी में डूबने से अब तुम्हारे लंग्स में बहुत सारी मिट्टी और पानी भरी हुई है। अब मॉर्टिशन पहले लाश की आंखों पे मस्कारा लगाता है और उसकी आंखों की तारीफ करता है। फिर उस लाश को लिपस्टिक लगा देता है और कहता है आई लाइक यू। वहाँ मॉर्टिशन और डेड बॉडी के अलावा कोई नहीं था तो मॉर्टिशन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और मौके का फायदा उठा कर उस लाश को किस करता है। इसके बाद लाश के लिप्स को क्लीन करता है और किसी केमिकल से उसकी लिप्स सील कर देता है। फिर उस बॉडी को मॉर्चुअरी कैबिनेट और मॉर्ग फ्रीजर में रख के वहाँ से जाने लगता है। तभी फ्रीजर के अंदर डेड बॉडी जागने लगता है और फ्रीजर की डोर अपने आप खुल जाता है। मॉर्टिशन ये देख के उस डोर की तरफ आता है और उसे बंद करके फिर से जाने लगता है। तभी फिर से वो डोर खुल जाती है और उस लड़की की लाश बाहर आ जाती है। जैसे ही मॉर्टिशन उसे देखने जाता है डेड बॉडी अब पूरी तरह से जाग जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब वो लाश मॉर्टिशन की तरफ आने लगता है और कहती है आई लाइक यू। तो वो लाश मॉर्टिशन की सारी बातें सुन ली थी और वो खुश थी इसलिए कि मॉर्टिशन उसे इस हालत में भी उसकी खूबसूरती का तारीफ कर रहा था। लाश के मुंह से गंदी काली खून बाहर आने लगती है और डर के मारे मॉर्टिशन की हालत बहुत खराब हो रही थी। लाश कहती है कि अब उसकी बारी है और फिर मॉर्टिशन को जबरदस्ती पकड़ के उसे किस करती है। मूवी यहाँ ही खत्म हो जाती है।